आप अंडमान एंड निकोबार में ट्रैकिंग दो जगहों से कर सकते हो, एक पोर्ट ब्लेयर और दूसरा हैवलॉक। पोर्ट ब्लेयर में चिड़िया टापू के पास आप ट्रैकिंग कर सकते हो और दूसरा एलिफेंट आइलैंड ट्रैकिंग के थ्रू जा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो वीडियो में देख रहे हो ये चिड़िया टापू है पोर्ट ब्लेयर। चिड़िया टापू जाने का सबसे बेस्ट टाइम है 1 PM और 2 PM। तो आप 1 PM निकलो या फिर 2 PM निकलो, यहाँ पर निकलकर आप जू देख सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो और शाम का सनसेट देख सकते हो। इसलिए 2 PM निकलो या 1 PM निकलो। आपको चिड़िया टापू पहुँचने में 1.5 आवर लगेंगे और ट्रैकिंग करने के लिए आपको चिड़िया टापू आना है और सनसेट पॉइंट चिड़िया टापू से कुछ पहले है। तो आपको ट्रैकिंग के लिए आपको जाना है चिड़िया टापू। चिड़िया टापू के थ्रू आपको जंगल मिलेगा, वहाँ जाना है। आपको यहाँ किसी गाइड का ज़रूरत नहीं है, लोग आते जाते हैं, रास्ते बन गए हैं, आप आराम से जा सकते हो। और ट्रैकिंग के लिए 1 to 2 किलोमीटर है, आप एक हिल पर चढ़ते जाओगे, चढ़ाई वाला रास्ता है। उसके बाद चढ़ने के बाद आपको एक लाइट हाउस मिलेगा। लाइट हाउस के बाद सबसे एंड पॉइंट पर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, जैसे समुद्र, पूरा सी, बहुत ही ऊंचाई से समुद्र को देखने को, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर लोग शाम को फ़ोटो शूट करने के लिए भी जाते हैं और वो पॉइंट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो गाइज, आप चिड़िया टापू जाओ तो ट्रैकिंग भी करो और सनसेट भी देखो। Drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. Thank you.
the right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry.
drives me insane. Don't lie. Drives me insane.